नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं का जो आपकी अनिका पुस्तक है उसी का हिंदी का जो लेसन है आपका हंसो खूब हंसो, उस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे अच्छे से, एक एक अक्षर को बड़ा मन लगा करके पढ़ेंगे ताकि उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम बड़े आराम से दे पाएं और अपना ज्ञान है वो थोड़ा बढ़े। तो हंसने का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हंसी के बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसी बहुत जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी वस्तु एक बार हंस लेना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। यानी हंसते रहने से हमारे ऐसा दे रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। पुराने लोग कह गए हैं कि खूब हंसो हंसो, हंसी कितनी ही कला कौशलों में श्रेष्ठ है। जितना ही खुलकर लोग हंसते हैं उतनी ही उनकी आयु बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान ने जानकार ने अपने कर्मों को खींचने वाला और हेरिलेक्स बहुत कम जिया, पर प्रसन्नचित्त वाला डेमोक्रेटिस 109 वर्ष तक जीवित रहा। हंसी खुशी का नाम है, नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो जिंदगी किसका नाम है बेटा? जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, अर्थात मुर्दा दिल इंसान वैसे ही मरे हुए व्यक्ति के समान होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। मनुष्य के शरीर के वर्णन में एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य को भी आनंदित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल ईंधन है जो शोक और दुख की दीवारों को गिरा सकता है। लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो देखिए, हंसते रहना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। एक दूसरे डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। केवल रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली वस्तु है। यह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न रखती है। यह
बल और शक्ति बढ़ाती है और रक्त प्रवाह तेज करके अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कहना है कि आनंद से बढ़ करके बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कर्लाइल एक राजकुमार था। वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसी हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा, अपने मित्रों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा, शत्रु को भी हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा, एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा, उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा, एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी, एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा, एक घातक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, एक बीमार को हंसाओ, सॉरी, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। लाइन रहेगी भाई, एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर सबसे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी से ही रहो, हंसी ही न हो, नहीं हो। ये पेज भाई थोड़ा सा ना कम दिख रहा है। हमको बहुत काम करने हैं, हमारे कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी जो अनिका पुस्तक है इसको हम लगभग अनवरत कर ही रहे हैं, जल्द ही पूरी हो जाएगी। हम व्याकरण भी करेंगे, तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को भाई आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट भी करें। यदि कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो आप मुझे आवश्यक रूप से बताएं। हंसी सबको भली लगती है, सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती है, जो पुरुष हंसते नहीं हैं, उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रश्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। तो हंसी भाई बैर और बदनामी की क्या है? शत्रु है। और हंसाई भलाई की क्या है भाई? सखी है, सहेली है। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जी को बहलाती है, बुद्धि को निर्मल करती है। जैसे सजे सजाए घर के सामान हैं, मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, आदमी हंसने के लिए ही बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी है। मनुष्य हंसने मुस्कुराने हो करने गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी दुख भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है, कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। उदास आदमी से दूर रहें। लड़कियों को कि संसार के शब्द प्रश्नकारी शौरों से मधुर हैं। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है, प्रसन्नता भारी भोजन लड्डू पेड़ा कलाकंद पूरी कचौरी सब हजम कर देती है। संसार में घूमना, समुद्र और पहाड़ पर हवा खाना,
सेनाओं का उत्साह बढ़ाना सब प्रसन्नता के खेल हैं। मनुष्य को किसी दवा की जरूरत नहीं, उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे मोटे मुस्टंडे होते हैं। धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं, उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती है, चिंताओं को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। तो भाई हमें निरंतर हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसी जो है ना हमारी बहुत सी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर देती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन है? जो हंसाता है वो बिना डिप्लोमा डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर के संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु नहीं खो देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है? मेलबर्न ने के एक डॉक्टर A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है, उसकी भूमिका में एक कहानी है। एक आदमी अपने मित्रों सहित पहाड़ पर घूम रहा था। एक चट्टान पर उसे कौवे का एक घोंसला दिखाई दिया। उसने कहा, आओ सब दौड़े, देखे पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़ पड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँप करके बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब उन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते तिराते। कई साल बाद उनमें से एक मित्र बीमार हो गया। मरने की कोई था कि उस व्यक्ति को खबर मिली। वह गया, लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आ गया है, आंखें खोलो। पर वह ने कुछ बोल गया बोल बोला तब उसके मित्र ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंस पड़ा, इतना हंसा कि वह अच्छा हो गया। हमें लोगों का स्वागत मुस्कुरा करके करना चाहिए, विदा भी हंसकर ही करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हंसी के बहुत फायदे हैं। तो हमने ये छोटा सा आपका एक शिक्षाप्रद पाठ पढ़ा। आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, करते रहिए अपना सिलेबस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।